हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग बालकनी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधाधुंध गर्मी होने के बाद आज पूरे रात से और पूरा दिन बारिश ही हो जा रही, रुक ही नहीं रही। पता नहीं क्या है, हम तो बाहर भी नहीं घूमने जा पाएंगे और कुछ काम है नहीं, पढ़ो खाओ और सो गई थी हम तो दोपहर में। तो अभी आम खा रही थी मैं और मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, फिर हमारे घर में बस लास्ट दो आम बचे थे। मैंने एकदम टिपिकल बुखड़ की तरह मैंने सोचा कि मैं बड़ा वाला आम लेती हूँ। मैं बड़ा वाला आम लेके मस्त बालकनी में बैठ गई, मैंने काटा, वो पीछे से ख़राब था, मैं शांति से उसे बंद करके और रख के आ गया, फिर मैं छोटे वाले में खुश हूँ। हमें ये सीख मिलती है लालच बुरी बला है यार। पता नहीं क्या है, लाइट भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या ही है। कहा उन्हें, अरे कहाँ पत्थर फेंका है, देखो ये देख, बहुत बड़ा। बस काट जाएंगे, क्या कसी कसी कहाँ पर गई, तू ही छोड़ के आगे वो रही। चल खुदाई कर, घास खोद, घास घास खोद, घास नहीं खोदते। यहाँ क्यों भर रहा है फिर, कहाँ से इसको कहाँ डालूं। हाँ वाह, अरे ये बता आपने लीची का पेड़ कहाँ बोया था, उगा नहीं ना फिर, कब उगेगा, पानी देना पड़ेगा, रोज देना पड़ेगा पानी। अरे लग जाएगी तेरे, लग जाएगी, ऐसे नहीं डालते, फिर वो तेरी दोस्त ही बनेगी, फिर वो मेरी दोस्त बनेगी, है ना। हेलो कन्नू, हेलो, ये देख मेरी दोस्त है, अरे नहीं मेरी है, मेरी है या इसकी है, मेरी है ना, मेरी है, अरे मेरी कन्नू, कन्नू तेरी दोस्त है, अरे अपने को ही खुद ही, मेरी दोस्त है या इसकी दोस्त है, मेरी है ना, मेरी है, मेरी है, अरे नहीं कैसे कर देगा, लेकर यू ये लो, अब तू बच जाएगा है। अब तो तू गया, बस बस खत्म। अरे ये तो मेरी है दोस्त, नहीं डरते, फिर आपकी दोस्त नहीं बनेगी और किसी की बन जाएगी। बार कोई ना तो कोई पहले का खान हो जाएगा, तो दोबारा नहीं, पता कैसे देते रेशु बैठ क्यों गया। कन्नू तू बड़ा है और ये छोटी है, बड़ी है तू, छोटी नहीं है तू, बड़ी है, दे दो, नहीं लंटी की है, नहीं है हमारी है।
बस हो गई चलो। नहीं कहता मुझे भी बहुत काम है, अभी मैं हाथ नहीं धुल पाऊंगा, बाल्टी मिट्टी भर रहे पूरी भरेगा फिर। वो गड्ढा मत करो, हम सांप आ जाएगा। मतलब कुछ भी एक तक क्या नहीं था जा। पता है मम्मी कल क्या कहती? मेरी डांस वीडियो देख रहे थे जो लास्ट डाली थी, तो फिर मम्मी कहती कि तेरे तो ऐसे लगते हैं कि मतलब एब्स आ रखे हैं। फिर मम्मी कहती ना ना तेरे नहीं आ रखे, देख गुड्डू सच में मैं दिखाऊं तेरे आ रखे। और 2 महीने योगा कर रखा है यार, ठीक है माना पेट कम हो गया है एकदम मतलब लेवल पे, बट एब्स लाने कितने मुश्किल होते हैं, वो लाइन सी पड़ रही है चर्बी में। देखो क्या है, कच्चे जामुन खाने में लगी हुई है, रुक जाएगी थोड़े दिन। कैसा है टेस्ट? पिछली वीडियो में पता है तेरी क्या पोपट हुई है, वो ब्लैक करंट आइसक्रीम लेके 5 मिनट पहले कह रही है कि ये देखो जामुन पके नहीं है, पहले जो खराब है उन्हें निकाल रहे हैं ताकि औरों पे कीड़े ना लगे इतनी ज्यादा वो। तो भाई हम लोग दूध लेने आए थे और ये मम्मी लाई है इतनी पतली सी डंडी और यहाँ पे कुत्ता बैठा है। यहाँ पे एक लड़की आई, मम्मी बोलती कि ये काटता था नहीं, तो वो बोलती काटता है। तो अब कॉस यार ऐसे किसी ने कुत्ता रखा है तो काट ही गई, बिना काटने वाला कुत्ता क्यों रखेगा कोई। वो तो ये बंदा हुआ है इसलिए शांति से बैठा है, पिछली बार हम आए थे ना तो एकदम उछल रहा था। वैसे यहाँ का सीनरी कितना अच्छा है ना, एकदम ही खुला। मम्मी आज पानी देने का फायदा नहीं है, कल बारिश आएगी मेरी गारंटी ले लो। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। कल बारिश आएगी मम्मी, पानी क्यों दे रही हो? गजब बेइज्जती है। हैं? नहीं आएगी। शर्त लगाते हैं हम लोग, ठीक है। पिछली वाली शर्त में जीत गई, हमारी शर्त है 100 रुपए की, कल बारिश आएगी आएगी मैं कह रही हूँ। ओह माय गॉड कितनी सारी गाय है। ये देखिए अंकल कैसे आवाज निकाल रहे हैं। अरे ये हमें हमारे घर के सामने आ गई मम्मी, बुला रहे हैं। ए रेशु ये देख, क्या बोल रहे? अब वहां जाम लगा दिया है ना। गाइस इट इज द नेक्स्ट डे और वैसे बारिश तो यार आई नहीं तो मैं शर्त तो हार गई, बट हवा तो चल रही थी ठंडी ठंडी, बट अभी जो ये गाय यहाँ के जो काम करके गई है। हाँ क्या यहीं पर हूँ। लगाया क्यों नहीं तूने? देख हमारे घर के सामने कर दिया ना गोबर। हाँ कितनी मस्त रंगोली है ना। क्यों गार्डन में चले घास साफ करने चले? आजा। गाय फिर से आ गई, एक और गाय आ गई, एक और भाई अपने पर नहीं ले जा। ये अंकल एकदम चौड़ में, अरे यार पूरे ऐसे यहाँ सारी सड़कों पे रंगोली बना दी है, बताओ ऐसे काम तो नहीं चलता है। चलो ये तो वहीं से ले गए। नहीं क्या कह रहा है, गोबर ही तो किया है वो, देख पूरे रोड पे किया हुआ है, किया है ना। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही यार, मम्मी ने कह दिया था वहां से आ रही थी वो वाली गाय भी, तो मम्मी ने कह दिया था कि भैया इस साइड मत जाना, तो फिर वो इधर से लाके और घर के पीछे से फिर इधर से ले गए और फिर कर दिया काम एट लास्ट। क्या करें, ओह माय गॉड। गाइस इन्हीं गायों और इनके गोबर के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहनो पजामा रहो मजामा।